बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश बहुत है और पंजाब में बारिश पता नहीं सिंध हो रही कि नहीं हो रही, पूरे मुल्क में बारिश है। और ये अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम जो शहर के लोग हैं उनको नहीं पता कि ये कितना बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, गंदम की फसलें खड़ी हैं, तबाही और बर्बादी फैल रही है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। और शायद कुछ हमारे माल भी इसी तरह के ही हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कह रहे थे सुमरो साहब के गरीबों के उत्ते ही अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, भाई अमाल अमाल सारा माल ये तो बड़ी बहस हो सकती है तो, लेकिन हाँ प्रोग्राम दे जैसी बहस कुछ और करनी है सर। और वो बहस है खान जिंदा पीर बन गया, तुम्हें पता है? जी इमरान खान साहब जिंदा पीर भी हो गए थे, उन्होंने घर पूड़ियाँ पता नहीं शिवार में ये वो चल रहे ने, मौज लगी पई है। वेरी गुड, जादू से पैसे आए थे और जादू से चोरी हो गए यार, बहुत कुछ है। असल देश मैं थोड़ी सी तमीर बांधू कि आज बात करने के लिए मामला बहुत है। मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते यानी सैटरडे वाले दिन जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद जा रहे थे, पीछे जनाब अगला ने कार छापा मारा और बकौल इमरान खान साहब के बेगम साहिबा घर पे अकेली थी और चीखे, हाँ और उन्होंने चीखे मारी, शीशे तोड़े जब। अच्छा फिर गेट तोड़ दिया गया, हसन न्याजी गिरफ्तार हो गया इस्लामाबाद में, दींगा मुश्ती और फिर अजर मिशवानी फड़ा गया, हाँ इमरान खान जरनैल पकड़ा गया, 50 करोड़ रुपया चोरी हो गया। और सबसे जो बड़के बात है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए और 30 अप्रैल से वो चले गए हैं 8 अक्टूबर तक, और 8 अक्टूबर तक दो अहम शख्सियात अपने उद्यम पर नहीं होगी, कोई नवी वाजा वज रहा है जी। यार वैसे कितने खौफ ज़दा हैं ये, हाँ लेकिन इन सारी जी जी लेकिन ये बात आप देख सारी 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 जड़ी गल है ना जी, जी सब बड़ी गल है कि खान साहब सूत्र हुए पे ना, खान साहब सूत्र हुए पे ने, सूत्र समझते हो सीधे यानी तीर वंगू सीधे हुए पे ने, कि अब वो बड़े तरीके के साथ पेशी पे जाते हैं, घूंघट निकाल के जाते हैं, खौफ के बुत तोड़ के। लेकिन पहले ये कहते हैं कि जब हम फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करें, उससे हम उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पकड़ा गया ना, वो तो पकड़ा गया ना, इमरान खान साहब ने खुद कहा, नहीं अभी पूरे नहीं पकड़े गए, इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि लंदन प्रोजेक्ट, लंदन प्लान, उससे पीछे हट गए। असलान बेटा अभी बाहर है, जब सारा ये है सब सर जी, बात शुरू हुई थी साइफर से, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से अमेरिका मुझे कत्ल करवाना चाहता है, फिर वो बात आई बाजवा साहब पर, बाजवा साहब से वो बात आई अपना जरदारी साहब पर, जरदारी साहब से वो बात आई नहीं सर मौजूदा आर्मी चीफ पर, लंदन प्लान मौजूदा आर्मी चीफ। अच्छा उसके बाद ये आ गई आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद तक, नहीं नकवी की बात थी ना कत्ल की सर। मैं तुम्हें दस अख्तर लावे की घराना है कि मेरी कतल की साजिश भी अख्तर लावा की थी, और जी हुकूमत की साजिश थी वो भी अख्तर लावे ने की थी, लॉर्ड द पावर अख्तर लावा। लेकिन सर ये जो मैंने तमहीद में ये जो पूरे हफ्ते के वाकयात आपको जो मोटे मोटे मेरे जहन में थे वो गिनवाए हैं, और फिर वो जो आज अटॉर्नी जनरल साहब भी लोग सुधार गए हैं, परलोक सुधार गए, हाँ तो ये लगता है कि कुल लड़ाई जिस तरह कुछ थोड़ी सी शिद्दत आने वाली इसमें, ये सारे जो है जो बखेड़ा इस पे आप क्या कहेंगे? शिद्दत आने वाली नहीं, शिद्दत आ चुकी है, आपने तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। आपने परसों खिताब किया था पार्लियामेंट, वो भी शिद्दत का आगाज हो गया थी, अब शायद सफबंदी हो रही है। हाँ सफबंदी हो रही है, लेकिन आप देखिए कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो भी हटाए गए हैं, और सऊदी अरब से पाकिस्तान के सफीर भी वापस बुला लिए गए हैं, जिनकी मौजूदगी में इमरान खान ने कहा था मेरा MBS से अब भी रابطہ है। अमीर खुर्रम राठौर साहब वो मेरे क्लास फेलो हैं इत्तेफाक से, और हम शहर भी हैं और नौजवानी के दोस्त भी हैं। जब उन्होंने एपिफेनी से गुजरे कोई 22-23 बरस की उम्र में, तो उसके बाद से फिर हमारा रابطہ जो है वो 2-4 दफ़ा ही हुआ है। तो जानते हैं कोई अच्छा उसमें ताज्जुब नहीं हुआ। जो आपने बहुत अहम निकात गुज़श्ता हफ्ते के रिकैपिटुलेट किए हैं बहुत ब्रीफली, उसमें एक दो बातें मैं चाहूँगा कि उनका इजाफा कर दिया जाए। जी जी, एक तो ये है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो किसी गहरी खाई से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन में आ गए हैं, ये कौम के लिए अच्छी खबर।
नहीं है। और दूसरे साथ अगर एक और खबर मिला के पढ़ लें कि इमरान खान ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में तीसरी कंपनी हायर कर दी, दो कंपनियां पहले एक्टिव। मैं तीसरी उसी तरफ आ रहा था, जलमे खलीलजाद साहब की धमकी जो हमारे मोहसिन हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े खैर खां हैं हमारे मुल्क के वो, और फिर एक डेमोक्रेट मेंबर क्वेटा रोटी 30 रुपए दी होगी, मैं वैसे दखे 10 दिन। और फिर आज एक और खातून नुमाइंदा मुंतखब अमेरिका से उन्होंने बात की है तहरीक इंसाफ के बारे में, तो लॉबिंग का मतलब काफ़ी इफेक्टिव जा रही है। जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वन, इमरान खान साहब अदालतों में सिर्फ वहाँ जा रहे हैं जहाँ उन्हें जमानत लेना हो या मिलने की तवक्को हो, जहाँ उन पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई के आगे बढ़ने का इम्कान हो वहाँ वो, उन्होंने जो किया है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि इस तरह से मुसल्ला जत्थे लेके आप अदालत आलिया में पहुँचे। और मेरी इतला के मुताबिक उसमें इमरान खान और उनकी जमात ही शरीक नहीं थी, बल्कि वो जो कहते हैं ना मेरे राबते हैं, वो राबते मुकम्मल तौर पे मुतहर्रक थे। फैसिलिटेट किया गया है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ है, जो लोग अंदर मौजूद थे पुलिस वाले वो भी इनएक्टिव थे जी, ठीक हो गया। ये उस शख्स के लिए जिसकी जमात के नाम में इंसाफ आता है, इंसाफ पे भरोसे की कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये एक नई प्रेसिडेंस कायम की जा रही है, ये इमरान खान साहब इंसाफ से दौड़ना चाह रहे हैं कानूनी कार्रवाई से, अगरचे मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत मामूली मामलात हैं। आप तोशा खाने के मामलात को जितना भी फैसल शील फैला लें तो 2-3 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। हमने 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब को तकरीबन 55 अरब रुपया उस वक्त का जी, यानी आज की कीमत लगाएं तो वो उससे बहुत ज्यादा 80 अरब रुपया। तो खान साहब पे इल्जामात और हैं, और ये सड़क पे जो कुछ उन्होंने यहाँ जमान पार्क में किया है और फिर उसके बाद जो कुछ पुलिस ने किया है, मेरी राय में दो अहम निकात काबिल गौर हैं। वन, ये मुमकिन नहीं कि दो सूबों की मियाद जो है वो अलग ख़त्म हुआ करे और दो की अलग हो फोरसीएबल फ्यूचर में। या तो ये कि आप निगरान हुकूमत का एक गैर जमहूरी नाकाबिल कबूल तसव्वुर आइन का हिस्सा नहीं बनाते। अब हर एक ने आइन की एक एक शिक उठा रखी है, एक शिक जो है वो 90 दिन वाली है और एक शिक जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है कि उसे शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना है। और क्या इंतखाबात के ऐलान का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को है या किसी दूसरे इदारे को है, ये मामला सब जुडिस है, मैं इस पर तफसील में नहीं जा रहा। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि मुल्क बदतरीन इक्तसादी बहरान का शिकार है और हम इस मुल्क में सियासी इंतशार की उस हद पे हैं जहाँ हम 1971 में भी नहीं थे, कम से कम मगरबी पाकिस्तान की हद तक हालात जो है वो मामूल में थे। ये और बात है कि आधा मुल्क जो है वो उसमें कट रहा था, यहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। दीज आर द टाइम्स वेयर सेनिटी शुड प्रिवेल, लेकिन हमने, और इस पे मैं आऊँगा ये बताने के लिए कि ये चीज़ें कहाँ जाके मिल रही हैं, हमने हर इदारे को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इमरान प्रोजेक्ट की कीमत ये है कि ना अदलिया का कोई वकार और साख बाकी रही है, कानून के साथ जो खिलवाड़ की गई है, ना पार्लियामेंट का कोई जो है वो वकार बाकी रहा है, ना सियासी क्यादत की कोई साख जो है वो बाकी रही है। ये जो वाकयात इन दिनों में आजकल हो रहे हैं, मैं इनमें और 2014 के वाकयात में बहुत सी
मैं मासलक देख रहा हूँ। और 2014 सीजन टू है, ये सीजन टू है, ये सीजन टू है, ये कुछ ये तरीका नहीं है कि हमने 23 नहीं, सीजन टू किस तरफ से? देखिए एक जो बीज बोया गया था, एक साजिश, हाँ। देखिए इमरान खान प्रोजेक्ट, इमरान खान के लिए हाँ। हर इदारे के अंदर अपने लोग बिठाए गए थे ना, हाँ। ताकि सपोर्ट देकर 20-25 साल निकाला जाए, हाँ। अब वो चल ही नहीं सके, असल मसला ये था कि जो दूल्हा था वो तो चल ही नहीं सका ना, तो फिर वो, लेकिन जो लोग जहाँ बिठाए गए थे, मैं खुलकर बात करते हैं, अदलिया के अंदर जिस तरह हुआ इंडक्शन हुई, जिस तरह जूनियर जज साहबान को ले जाकर ऊपर ले, इस पर वकला ने तहरीक चलाई हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी में सेनेट के अंदर जिस तरह के लोगों को बिठाया गया, सियासत के अंदर जिस तरह लोग मतलब इंस्टॉल किए गए। अच्छा तो वैसे तो एक साजिश मफरूजा ये भी चल रहा है कि इमरान खान साहब प्रोजेक्ट, इमरान खान जो है वो उनकी गैर मकबूलियत की वजह से जरा ढीला पड़ गया था, तो अब उनकी मकबूलियत को यूं उठाने के लिए सारा ड्रामेबाजी हुई है। देखिए ये तो अब कहने वाले ये भी कहते हैं, ये कहने वाले कहते हैं, लेकिन ये कमजोर दलील इसलिए है कि इन 11 माह में इमरान खान साहब ने जो कुछ कर दिया है, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट इमरान के चलाने वाले अपने इदारे का मामूली मुफाद भी नहीं समझते तो फिर माफ कीजिएगा। मैं एक बात जो है वो नोट कर रहा हूँ और मैं अहबाब की तवज्जो भी चाहता हूँ उसके ऊपर। जो एक यूट्यूबर जो हैं, बड़े मारूफ हैं, आप उन्हें कह सकते हैं बदनाम भी हैं, जो एक दिन के लिए इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए और फिर एक दिन का उनका रिमांड हुआ, फिर जमानत हो गई, सदीक जान की बात कर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनके बारे, वैसे भी रोजा है तो आप कैसे नाम, हाँ, उनके हवाले से जो इतला है वो ये है कि वो चकवाल से वापस जाते हुए पकड़े गए थे, क्योंकि फैज साहब जो हैं उन्होंने सारी बगिंग और सारे डिवाइसेस वगैरह सिस्टम खुद इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए उन्हें पता है कि कम्युनिकेशन में वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये जो लाहौर से एक, जिसे इमरान खान ने अबडक्शन कहा और मैं गिरफ्तारी कह रहा हूँ मिशवानी साहब की और सदीक जान की, लेकिन गिरफ्तारी किसी ने भी ओन नहीं, अभी ओन नहीं किया, लेकिन एक ही कनेक्शन, एक ही सिलसिले के कनेक्शन हैं, ये मुंह जुबानी मैसेज दे के लेके आ रहे थे और स्ट्रेटजी अभी भी वहीं से आ रही है। और मैं चाहूँगा कि नदीम मलिक के प्रोग्राम में जो फैसल वाउडा साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने चकवाल से जो रूट बनाया है उसको जरा समझने की कोशिश की जाए, उसको डिकोड किया जाए कि इस वक्त कौन सा मुकाबला डिकोड किया है, कौन ब मुकाबला कौन है, ठीक है ना, ये मेरा ख्याल है। बट सर तुसी डिकोड किया है ना, या ताडा नहीं, नहीं मैं जेड़ा ना, मेरा तो अंदाजा है, सच्ची बात ही है। देखिये चकवाल में फैज साहब होते हैं, उन्होंने जन्म भूमि है, कोयटा में आसिफ गफूर साहब होते हैं, आसिफ गफूर साहब वो हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया था बड़ा मशहूर, रिजेक्टेड याद है, ये भी किया था। तो लिहाजा ये जो प्रोजेक्ट इमरान के मतलब बनाने वाले, मानने वाले, लेके चलने वाले लोग थे, उनमें इन इन लोगों का बानियान में शुमार होते हैं, या कम अज कम बानियान में ना हो तो ये मतलब उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में पूरा मोड़ा लाया ना सारे, ठीक है। अब मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में फैसल वोडा साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, हमेशा रहे हैं, आज भी हैं, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है, और वो इस बात से इनकार भी नहीं करते। उन्हें कहा जनाब अगर आपने इस मुल्क को बचाना और चलाना है, छतरोल, चकवाल से कोयटा, कोयटा से छोटे छितर के साथ भावलपुर, और भावलपुर से छोटे छितरों के साथ, छोटे छितरों के साथ बैरून मुल्क, मैं नहीं डिकोड कर पाया, ठीक है, बताता हूँ, ये बैरून मुल्क तक आप नहीं लेके जाएंगे तो इस मुल्क के मसाइल इस हद तक बढ़ जाएंगे कि तबाही आ जाएगी, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा ये छोटा छितर क्यों, छोटा भीम बड़ा भीम सुने, छोटा चित्र पाए ना, व्डियां व्डा होंगे, छोटिया छोटा होंगे, हजूर बावलपुर को छोटे होंगे ओदे ते थबारना, ते बाहर जेडे बैठे रिटायर ने, ठीक है, उन्होंने भी छोटे चित्र ना काम चल सकता है,
असल में बाहर वाली बात वो ये जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नेटवर्क जो कि आपके और मेरे पैसों से बकौल रजी दादा के अरब हर रुपये लगा के कायम किया गया था, वो बाहर अभी भी मौजूद है और वो बाकायदा एक्टिव है। ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि उन्होंने पैसे आन जान का सिलसिला जारी, वो सारी है इंडिपेंडेंट, और इसलिए उनको वो कहते हैं उत्थे निक्के लितर ना काम चल सकता। चलाओ गैर मुल्की एजेंट किनको कह रहे हैं कि इमरान खान के दाएं बाएं गैर मुल्की एजेंसियों के लोग हैं, वो किनको कह रहे हैं यार? वो एक्चुअली देखिए ना, अब इमरान खान को बराह रास्त वो नहीं कह सकता, इमरान खान आप गैर मुल्कियां का इमरान खान जो मैं बता देता हूं जरूर, इमरान खान का जो दादा सोरा था सर, इसराइल के तीन बानी थे यूदी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जेम्स बॉन्ड के, और जेम्स बॉन्ड कहता है जेम्स गोल्ड स्मिथ के अब्बे का नाम चेक करें क्या था, वो उनके बानियों में, इसराइल के बानियों में है जरूर, ठीक है। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मैं कोई नवा इंकशाफ नहीं कर रहा। तो इमरान खान खुद बार द, अब जलमे खलील जाद जो है वो किसके लिए बोल रहा है? इमरान खान के लिए। तो जलमे खलील जाद पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, वाजपेयी या कल को मोदी अपने मुफाद के तहत पाकिस्तान की बका के लिए रोल प्ले कर सकता है, जलमे खलील जाद नहीं कर सकता, वो इसकी तबाही चाहता है। जलमे खलील जाद भी वैसे ही जनरल फैज के साथ नेटवर्किंग अच्छी थी। एक मेरा एहतजाज नोट कर लीजिए सर, एहतजाज नोट किया जाए, अली भट्ट के कपड़े पा के आ जाता रोजाना किस्म किस्म के, इनू रोके आ जाए ये अपने साहब साधे के कपड़े, काला कोट भी इन्हें अजो का पाया है। ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ यार देखें, ये जो लड़ाई जिस महज के ऊपर पहुंच चुकी हुई है और पाकिस्तान के अंदर आज से पहले इस किस्म का बहरान जिसके अंदर सियासी बहरान मौजूद है, मौशी बहरान मौजूद है, उसके अंदर आपके इदारों के अंदर जो है लड़ाई जारी है, दहशतगर्दी का बहरान मौजूद है, ये एक साथ मेरा नहीं ख्याल कि कभी पाकिस्तान को इस तरह फेस करने का पहले एक्सपीरियंस है। हाँ पहले हुआ होगा, हमने दहशतगर्दी से नबर्द आजमा होंगे, सियासी इंतशार पहले, लेकिन ये जिस किस्म की लड़ाई अब शुरू हो गई है इसके अंदर मुझे तो इस लड़ाई का इलेक्शन नहीं है। हाँ इलेक्शन कोई नहीं हो, वो आज की खबर देख लेना, अटॉर्नी जनरल साहब से इस्तीफा ले लिया गया है। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ इसका हल इलेक्शन नहीं है, इसका इलेक्शन मुझे लगता है कि होना चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी गलती हुई है ना जी, जो प्राइमरी वो देर हो गई, वो उस वक्त उस गलती को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी था कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ के जिस तरफ इस कौम को धकेल रहे थे उस वक्त इसका जुडिशियल टेस्ट होता और ये पास होता कि क्या इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है परवेज इलाही साहब को यरगमाल बना के, इजाज चौधरी के लोग गाला कटवा के, पीटीआई वाले दूसरे अपने कारकुनों से बेस्तियां करवा के होना दिया जो उनसे काम करवाया गया है, कि क्या वो आईन और कानून का टेस्ट पास करता है। तमाम लोगों ने उस वक्त तो नजरें नहीं उसके ऊपर दौड़ाई, अतर मनिल्ला साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, उन्होंने बेंच तो कट दिता, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब तो उन्होंने तो ये कहा था कि भाई ये जो आपने सियासी बहरान पैदा किया है मुल्क के अंदर, ये असेंबलियां तोड़ के आपने काम ठीक नहीं किया, इसको भी आप शामिल करें, और सवालात की सूरत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें सवालात की सूरत में दे दें, तो वो अतर मनिल्ला साहब ने चीफ जस्टिस साहब को वो सवालात दिए और उन्होंने बाद में एतराज ही ये किया कि सर मैं तो तन सवाल देते सी, तुसी जड़े अगले बारी ऑर्डर जो लगवाया आपने उसके अंदर आपने शामिल ही नहीं किए। देखिए अब अगर आप इन पोजिशन से, जिस पोजिशन के ऊपर जो है तमाम लोगों ने अपनी तलवारें निकाली हुई हैं, नेजे नूजे पांच सीधे किते ने उन्होंने गालक और ऐसी गालियां निकाल रहे हैं इदारों के सरबराहान को जो टॉलरेट नहीं हो सकती, और जो हिस्ट्री के अंदर मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की मिसालें मिलती हैं। मिशवानी साहब के हवाले से जिन अकाउंट्स की बात की जा रही है उन अकाउंट से गलीज गालियां इदारों के सरबराहान को निकाली गई हैं। लेकिन मेरी बात सुन, ये बात सुन जरा प्लीज, मिशवानी है या हशवानी है जेड़ा भी है, आप उसको कानून के मुताबिक पकड़े, उसको उस पर मुकदमा दर्ज करें, जो बनता है उसका वो रिमांड लें और उससे तफ्तीश करें। ये जो तरीकेकार है ना कि बंदा चुक लिया और उस तो बाद लितर पोला करन तो दो दिन बाद, तीन दिन बाद या हफ्ते बाद जाके गिरफ्तारी पाई, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। मेरी बात सुन, ये लड़ाई जो है ना, मैं बिल्कुल दाई हूं इस बात का, लेकिन
ਮਸ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਸੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ लाकानूनियत के जवाब में लाकानूनियत को जवाब, लेकिन इस लाकानूनियत के जवाब को आप कानूनी जवाब बिल्कुल दें, लेकिन जो रविश है अभी तक आज फवाद चौधरी साहब समुंदर पार पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं कि आप नाम लें लोगों का, आप क्रिटिसाइज करें लोगों को, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनकी तस्वीर है वहां के जो अपना सफारत खाने मुख्तलिफ ममालिक के वहां के जो एमपीज हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें शेयर करें और उनको दरख्वास्त दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फलां 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 लोगों का वीजा वो कैंसिल कर कैंसिल कर। अगर फवाद चौधरी ये चीजें गलत कर रहे हैं, अगर फवाद चौधरी ये चीजें गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। फवाद चौधरी पुलिस वालों की तस्वीर लगा के जब ट्वीट करते हैं कि इसको पहचान ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो शीरी मजारी है अगर वो यूएन को खत लिख रही है कि पाकिस्तान में टॉर्चर हो रहा है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसमें जाली तस्वीरें लगा रही हैं और उस वो जिले शाह की तस्वीर लगा के और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ अटैच कर रही हैं जिसके बारे में ये पता चल गया है कि वो रोड एक्सीडेंट में उसकी हलाकत हुई है और उनके अपने लोग थे और जो जो डॉक्टर जो हैं यास्मीन राशिद भी मान रही हैं कि उन्हें पहले से पता था, तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी और ये जो बहरान है हमारे ये कोई नए बहरान हमारे माशी बहरान, हमारे सियासी बहरान, हमारे अदालती बहरान, हमारी अदालतों के कमालात और ये जो सारी हरकतें आज हो रही हैं इसी तरह से पहले भी होती हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा तो नया होता है ना, एक मिनट आप दोबारा बता दीजिएगा ये। अच्छा नहीं, हमारे जजेस पुराने जजेस बैठकर एतराफ़ कर चुके हैं, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज उनकी स्टोरीज उनके बच्चों के अकाउंट्स और उनके बच्चों के पैसे वसूल करते हुए चीज़ें, मलिक रियाज साहब की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जिनको लाए थे ना वो उनके बच्चों की और उनकी तस्वीरें दिखाता है कि जी इनका हम घेराव करेंगे, ये नया अच्छा इन चीजों का रीच है। इससे पहले जर्नलों के घरों के एड्रेसेस नहीं शेयर हुआ करते अच्छा, वो नाम अच्छा, ले ले के सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। हसन जो गिरफ्तार है उन्होंने इमरान खान की वो बुलाने वाले जो एडिशनल सेशन जज है इस्लामाबाद के, उनकी तस्वीर लगाई हसन नियाजी की क्यादत में वुकला ने इस पर जब इस पर पीआईसी पर अटैक किया था वुकला ने, अच्छा उस पर रोकते उसको पकड़ लेते, हसन नियाजी उसको लीड कर रहे थे। अच्छा बाद में हुकूमत भी तो बदलती है ना कभी तो हुकूमत बदलती है ना, फिर उस पर कार्रवाई कर लेते। मसला ये इन सारी चीज़ों का हल, ये जो सारे मसाइल हैं हमारे कोई मसले नहीं है, नए मसले नहीं है, ये बहुत बड़े मसले हैं हमारे माशी अच्छा माशी मसले। अच्छा चले मैं आपको नहीं कह रहा आपको नहीं कह रहा हूं मैं, मसला यह है कि माशी बहरान भी जो हमारा है, जब हम हमारी इस वक्त जो एक्सक्यूज बनाया गया है इलेक्शन मुअत्तल करने का या उसके इल्तवा का और उसको 8 अक्टूबर पर ले गए कि हमारे पास पैसे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर के हमारे पास पैसे भी होंगे और सिक्योरिटी भी होगी? ये एक ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा फिर जब ये कहा जाता है कि काजी फायज ईसा के आने से ये लोग डर रहे हैं, तो फिर काजी फायज ईसा तक जो लोग हैं, दोबारा माइक नहीं मिलेगा, तो सारी गलत को नहीं करनी है, पहले एहसान नियाजी की गलत कंप्लीट कर लेना यार, मतलब नहीं। अच्छा आपने यार एहसान नियाजी का एक इशू छेड़ा है, वो तो गलत कर लो ना, कर लो, वो सारी गल्लां करी जा रहे हैं हरकत कर रहा, खुदा दा वास्ता कन्न फड़ाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हासे पै गए सारे पासे। 18 तरीक का उस पर मुकदमा है कि वो मामे दे नाल इस्लामाबाद के अंदर अग्गा लांदा फिरदा सी, ठीक है, और अब जिस केस में कोयटा पुलिस के हवाले किया गया वो भी 18 तरीक है कि उत्थे भी गल आंदा फिरदा सी, वो पिंकी पीरी का मोकल है, एक टाइम तो दोनों पासे मौजूद सी। अच्छा मैंने वो मतलब नहीं पढ़ा एफआईआर, देखिए ना मुकदमा करना है करना है आसान न्यासी ने वो जो मैं जेड़ा मैं पॉइंट आउट कर रहा है ना गल यार, देखिए ना आप आदमी है
वो अहमक होएगा पर कोयटा तो एक टाइम ते नहीं पहुंच सकता ना यार। हाँ नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि जो मैनेज कर रहा है वो अहमक है। हाँ वो ये कह रहे हैं तो ये गलत बात बिल्कुल। उसके उसकी जो सियासी नजरिया से हम सारे इख्तलाफ करते हैं जगह पे। सर सर हसन नियाज़ी साहब के ने जो उस दिन पुलिस पिकेट के ऊपर किया किया गालियां पुलिस वालों को निकाली हिसार तोड़ के निकले, उससे पहले उन्होंने जो जज साहब की जफर इकबाल साहब की तस्वीर लगा के उसके अंदर जो अगर आप कमेंट्स पढ़ लेना जो इन्होंने गालियां पढ़वाई हैं जफर इकबाल साहब को अपना कैप्शन था वो भी वो ये था कि लंदन प्लान का हिस्सा है ये और लंदन प्लान क्या है इमरान खान को कत्ल करने का जज को कह रहे हैं वो और फिर उसको लोगों कह रहे इसकी तस्वीर याद रखना। सर हसन साहब क्वेटा से आ जाएं तो एफआईए ने उनको दो सर्विसेज के लिए नोटिसेज भिजवाए हुए थे जो उन्होंने वसूल नहीं किए हुए। ये जज साहब वाले मुकदमे दे अंदर उन्होंने गिरफ्तारी मुकम्मल तैयार पई है सर। जी सर जी 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 एफआईए जी 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 प्लीज प्लीज ये लंदन प्लान जो है ये तीसरी दफा हमारी तारीख में उभरा। पहले भुट्टो साहब ने ये अकबर बुख्ती और दूसरे लोगों पे 74 में लगाया था कि ये लंदन प्लान के जरिए पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। इट वाज लघ बकवास। ये जो हमारे भाई ने अभी कहा ना कि यार ये अहमक हैं जो ये एक बंदे को बुजक वक्त इस्लामाबाद और कोयटा में दिखा रहे हैं, ये अहमक नहीं होते। ये केस कमजोर करने के लिए ये अंदर के लोग होते हैं ताकि मामले में जान ना रहे। दूसरा लंदन प्लान जो साबित है वो ये है कि मई 2014 में ताहिरुल कादरी इमरान खान और ज़हीरुल इस्लाम लंदन में मौजूद थे और एक लिफ्ट से बाहर आ रहे थे, उसके गवाह मौजूद हैं। और ये जो तीसरा लंदन प्लान है इमरान खान साहब को लंदन वाले मुर्तज़ा अली शाह उन्होंने इत्तेफाक से वो देख लिया और वो लिफ्ट में तस्वीरें भी ले ली। अच्छा अच्छा ये जो तीसरा वाला केड़ा लंदन प्लान है वो 74 वाला था, वो भुट्टो साहब ने अकबर बुख्ती पे और इस तरह के जो अपने मुखालफीन थे उन पे डाला था। वो गलत कहा था, नहीं गलत कहा था ना। अब आपके कहने से तारीख खत्म तो नहीं हो जाए, आपके कहने से भी नहीं खत्म होगी ना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। नहीं इसलिए कि क्योंकि भुट्टो साहब का नाम आ गया है, तुझे डाल देना क्या पूरी बात की जाए। हां जरूर कीजिएगा, जो आपका वक्त है कि मैंने अपनी जो राय दी है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर भुट्टो साहब के पास लंदन प्लान मौजूद होता तो हैदराबाद ट्रिब्यूनल की नौबत पेश ना आती और उस हैदराबाद ट्रिब्यूनल से आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बरामद हुआ है, इसलिए कि सारी तफ्तीश ही आईएसआई से करवाई थी और अदालत ये पूछती कि हजूर ये आए कहां से हैं एविडेंस, इसलिए पॉलिटिकल विंग बनाया था भुट्टो साहब ने। अगर सर शाहनवाज भुट्टो शादी ना करते तो जुल्फकार अली भुट्टो पैदा ना होते, जुल्फकार अली भुट्टो पैदा ना होते तो पाकिस्तान का आईन ना बनता, पाकिस्तान का आईन ना बनता तो आज आप हुसैन के लिए बोलना रहे होते, ऐसा ना गल करनी थे फिर नहीं। अगर गल कर करना लिया बात 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 सुन लेते लिया करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी आज की तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी ही की। क्यों करंट सूरत हाल में रहना यार, आज के दौर में जिंदा रहना नहीं होता, आज के दौर में जिंदा नहीं रहा जा सकता, तारीख जो है वो बड़े काम की चीज है। देखो अगर अगर उनका नुक्ता नजर है, अगर उनका अगर अगर उनका नुक्ता नजर लंदन यार गल लंदन प्लान एक ओबीसी जेड़ा वो आया सी ओथे गए सार जने प्लान तो मैं पार्टी चंदा प्लान करके आए सर, उतों भुट्टो नबी नहीं सी, नहीं नहीं भुट्टो की नबी नहीं सी, भुट्टो नबी नहीं सी कोई, हां तो बर्दाश्त करो ना यार, केड़ी गल बात करो मैं सर, मैं यार इसको चुप करें सर। बात यह है कि एक होता है साजिश, एक होता है प्लान और एक होता है मंसूबा बंदी। ठीक है इमरान खान फर्क ही है, मैं बताता हूँ सर। प्लान प्लानिंग जो होती है ना, साजिश जो होती है, प्लानिंग यानी मंसूबाबंदी और साजिश उससे पहले होगी ना, मंसूबाबंदी और प्लानिंग पॉजिटिव होती है। हाँ इमरान खान साहब को एक प्लानिंग के साथ निकाला गया था, वो थी एक आईनी प्लानिंग, आईन में दिए गए बंदोबस्त के तहत। अच्छा इमरान खान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ उसको साजिश बना दिया, हालांकि अनाउंस करके किया गया हम तहरीक दम एतमाद ला रहे हैं। वो जो वजाहत साहब प्लान लंदन प्लान की बात करें ना, वो तो धरने वाला प्लान था ना, लंदन में हुआ ठीक है। अच्छा उसके बाद अब जो लंदन प्लान इमरान खान बात करें उसका कोई सबूत हो, आज भी अदालत में जब पेश हुए ठीक है आप खुद मुकर गए, लेकिन लेकिन इमरान खान साहब का मुतालबा, इमरान खान साहब का मुतालबा ये होना चाहिए ना कि जी मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है लिहाजा इसके ऊपर कोई अलग
कमीशन बनाया जाए, अदालत सारी इमरान खान के साथ है, एक मिनट से पहले उसको अपना मिल जाता है, अपना रिलीफ मिल जाता है। तो इमरान खान साहब ने की थी जब उन्होंने टीवी पे आके कहा कि इसको एक्सटेंशन दी जाए, जी जी जी, वो साजिश थी, वो साजिश। अच्छा, अब हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने एक जेआईटी बना दी और वजीर आला जो निगरान है पंजाब की मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि जो इल्जाम लगा रहे हैं कत्ल की अपनी साजिश की, उसके लिए हम जुडिशियल कमीशन बना देते हैं। तो अब इमरान खान साहब जो है ना, वो साजिश और प्लानिंग को, मंसूबा बंदी को कंफ्यूज करके कौम को उलझा रहे हैं बैठे हुए। तो मैंने कहा जरा ये जरा माहौल ठंडा करने के लिए ना मैं ये वाला फलसफा बता, साजिश जो भी हुई है वो सबके सामने है, उसको अनडू करने का जो प्रोसेस है उसमें फिर अगर उन्हीं अनासर को इस्तेमाल किया जा रहा है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, और उसमें सियासी कुव्वतें अगर अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रही हैं कि हम नहीं मुकाबला कर सकते या हम नहीं सामने आ सकते, तो फिर ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। फिर अभी तक तो जितने मुकदमे दर्ज, इलेक्शन अभी जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, हाँ जी, वो गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, हाँ जी, और जितने स्टेप्स लिए गए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, ठीक, और गवर्नमेंट जो है वो उनको ऑन करती है। किसी एक मुकदमे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आए थे, हंस के भी नहीं किया, आया थे ऐसे नहीं किया किसी को, किधर हो तो इसमें एक बात ठीक है। और पार्लियामेंट सर एक मिनट, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जारी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शायद इससे ज्यादा बोल्ड स्टेप ये है कि वो खड़े होके कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये दो दुमरियां आपकी तरफ से हो रही हैं, तकरीरें, इसको तकरीरें कहते हैं मेरे। अच्छा, और पार्लियामेंट की ना, अच्छा, जिन्होंने ये जब 23 मार्च वाला हो रहा था ना हमारे दस्तूर का, यहाँ तक रेजोल्यूशन पेश की गई कि हजूर जिन्होंने आज तक पाकिस्तान का आईन तोड़ा है ये ईवान उसकी मजम्मत करता है, ये और बात है कि सिंजरानी साहब उसको पी गए। जी जी, अच्छा मैं सिर्फ इनके माइक पे जी, जो है आप पकड़िए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैठक में 3 वफाकी वुजरा मौजूदा हुकूमत के तशरीफ ला चुके हैं और तीनों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड जब पूछा था, अब सारे लोग गवाह हैं कि ये जो इनका सोशल मीडिया का गंध है इसको आप काउंटर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने पलाकी किया से मजबूर है। गल नहीं है दो चीजें, अच्छा, उसमें मेरा उसमें सिर्फ पॉइंट यह है कि जब हम बात करते हैं कि उनका नेटवर्क मौजूद है, और जब जहाज साहब ने भी जिक्र किया कि वो जब अदालत में गए तो शायद उन्हें सपोर्ट मिल रही थी, जिस तरह के बारे में ख्याल है हमारा, अदालत से जो सपोर्ट मिल रही थी ना नूरला साहब, चीज़ों को फैक्ट्स जरा ध्यान रखा करें कि एक बयान आया कि 15 अरब के पेपर प्रोजेक्ट साइन हुए ने जी, 15 अरब रुपये के, तो 15 अरब रुपये बोल रहे हैं ना, 15-16 अरब रुपए के और पेपर उनके खिलाफ को दिए, सुन लो वो, जी जी जी, जी वही वो वाला, और देने वाला कह रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भी जा चुका है, आपको तकरीर पे एतराज था, उनके खिलाफ रेफरेंस भी चला गया, हाँ जी, वो गया मियां दाऊद साहब वाला रेफरेंस जी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी दिया, पीएमएलएन ने भी किया, दाऊद को खत लिखा है, आप अपना एफिडेविट इस हवाले से जमा करो। अगर मैं एक मिनट में अगर मुकम्मल कर लूँ, जब मैं बात करता हूँ नेटवर्क की तो उसमें वो सारे लोग मौजूद हैं, जब हम उधर से चलते हैं चकवाल से चलते हैं और वो सारी चीज़ों की बात करते हैं तो वो भी उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनके बाकियात यहाँ मौजूद हैं सिस्टम में, जिनके बारे में समझा जाता है कि वो उनसे कोई पैगाम लेकर आ रहे हैं या उनके कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और वो भी हुकूमत नहीं करनी है, और उसमें अकेले चकवाल वाले के खिलाफ नहीं है, उसमें बाजवा साहब भी शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी करने की जरूरत है कार्रवाई, तो अगर इन दोनों के, अच्छा चले अच्छा ठीक है बात हो जाएगी, ये बात करने की जरूरत नहीं है, इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, हाँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू दियो यार, मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, चलो ठीक, क्योंकि प्रोग्राम के बाद भी हालात खराब रहते। अच्छा सर, बात यह है, मैं अगले हिस्से के लिए, मैं ये जो चीज चल रही है ना, असल जो इशू है ना पाकिस्तान का इस वक्त, जो शुरू में हम बैठक में बैठते थे तो मैं उस वक्त भी एतराज़ करता था, इशू ये है कि मुतालबा ये किया जाता है कि इमरान खान को आपने बनाया है और आप इसको ख़त्म करें, ये हमारा मसले का जड़ है, इमरान खान को किसी ने भी बनाया, इमरान खान साहब को एक सियासी कदावर लीडर बना दिया गया, अब उसको सियासी कदावर लीडर ही इमरान खान साहब का मुकाबला करें, अब दोबारा अगर GHQ की तरफ इशारे करके कहेंगे इसको ख़त्म करें तो वो गलत है, और आज अगर ये हुकूमत
पंजाब के इंतखाबात से भागी है तो उसके पीछे रीज़न भी यही है कि इमरान खान साहब उसी तरह खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं इसको ख़त्म करो, फिर यहाँ से नुकसान हो रहा है। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम की सारी जमातें, वो अपनी पॉलिटिकल एफर्ट नहीं कर रही। अगर वो पॉलिटिकल एफर्ट नहीं करेंगी तो रही हैं पार्लियामेंट में, आगे भी बता रहे थे जब मेरी बात कर रहे थे, आप ये बता रहे थे, बताएं ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, कोई और कर मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकली ये थे इलेक्शन लड़ने की गल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी इलेक्शन की बात की थी जिस पे आप इस पर आ गए थे। अच्छा चलें, ओ यार की आदमी यार, छोड़ दो, माफ कर दे सर, माफ कर, माफ कर, ठीक है। तो ये जो बहरान है ना सर, जिससे हम घिरे हुए हैं, इस बहरान को सियासतदानों ने हल करना है। और इमरान खान साहब सर, उनके आप मुझे ना टोके, मुझे ना टोके, मुझे ना, मैं आपको बाइक दे दूंगा, लुकमा दे रहे, लुकमा दे रहे। पार्लियामेंट में इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आज तक नहीं लिए गए जितने पहली दफा लिए जा रहे हैं। अच्छा बताएं क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं क्या यार बात को, मतलब बात को पर्सनल बनाना ना ली। नहीं, पार्लियामेंट में स्टेप्स लिए जा रहे हैं यार। अगर पार्लियामेंट में राणा सनावला ने ये कहा है, अब सुन लीजिएगा आप, फिर उस दिन की तरह मैं जज्बाती हो जाऊंगा। अगर राणा सन्नावला की तकरीर आप सुन लें, आपने नहीं सुनी होगी, मैं यकीन नहीं सुनी, अगर सुनी होती ये बात ना करते आप। सर, राणा सन्नावला ने ये कहा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप गुस्सा क्यों करते हैं, एक जज की ऑडियो टेप है, उसके बेटे फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं और हमने तफ्तीश और तहकीकात की है, आपको बनाना पड़ेगा, जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस रखना पड़ेगा और एक हफ्ते में आप इसकी समाप्त करके इसको खत्म कर दें, जिस तरह भी फैसला हो। ये नहीं हो सकता कि आप दबा दें ऐसा रेफरेंस जो है उसका जी। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं दो चीजें, आप वाकयात को ना सारा एक लपेट के नहीं खत्म कर सकते, वाक्य एक हर एक वाक्य के ऊपर हकीकत अलग होती है। ये जो मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ वो जरा डिफरेंट है, जो आप उसको गड़बड़ कर रहे हैं वो दूसरी है। अच्छा, ठीक है। एक हकीकत यह है कि जी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, उनके गोडों में अभी वो नहीं है दम, या वो नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि जो लाया था वो गंद साफ करे, गंद के साथ गंद साफ नहीं होता, मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि वो एफर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हुकूमत चलाने के लिए, वो एक अलग कहानी है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, इलेक्शन की कुछ इंतजामी मामलात हैं। अगर आज अटॉर्नी जनरल को हटा दिया गया, किसका लाडला अटॉर्नी जनरल? चीफ जज साहब का। तो फिर कुछ कर तो रहे ना यार। लेकिन लगाया क्यों गया था? मेरा अच्छा गलत किया था। मैं मेरा ख्याल है कि अब इसके यहाँ पे इस निशस्त का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। आगाज भी इसी स्पिरिट से होगा। हाँ जी, ऐसे ही करांगे और फौरी करांगे ताकि जो है ना आग पकी लगे हैं। तो अभी आप ये सुने तो अभी थोड़ी देर तक फिर आ रहे हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदेद, और इस नशस्त में हम कोशिश करेंगे कि जरा गुफ्तगु जो है चैनलाइज हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहला स्टेप ये है कि पार्लियामान में जो जॉइंट सेशन हुआ है उस पर वैसे उन्होंने तवाज़ो ठीक ला लिया, उन्होंने उसका जवाब भी ठीक दे दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें ये गुफ्तगु करनी चाहिए कि ये जो स्टेप लिया गया है ऐसे उनको फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में कम से कम पार्लियामेंट ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है, और जो ये जो बहरान है इसमें जो जो बुनियादी निकात हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। मैं इसे जो है वही खुशाइन बात समझता हूँ। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट जो मुंतखब इदारा है आइनी तौर पे, वो जो है वो कहीं नज़र ना आए, और जो आइनी इदारे ही सही लेकिन जो आवाम के वोट लेके नहीं आए, जो गैर मुंतखब इदारे होते हैं वो जो है वो मैदान में धमाल डाल रहे हों। मेरे ख्याल में इस आई, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान ने सिस्टम पार्लियामानी सिस्टम एक ठहर जो तो नहीं दियांगा तुम्हारे को है ना, कोई गल नहीं, फिर भी आदत पई हुंदी ना, तो इसको थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है और सियासतदानों को भी बताने की जरूरत है कि पार्लियामेंट की हुंदी है और बाकी इदारे की हुंदे ने, वो बेसिकली उन्होंने किस तरह चलना था। देखिए, आपने कहा कि फर्क पड़ना चाहिए, उन्होंने कहा कि फर्क पड़ चुका है, उसकी दो निशानियां हैं, अटॉर्नी जनरल तब्दील हो चुके हैं, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान के सऊदीया में सफीर दोनों का गारंटर एक ही मिनिस्टर था, और एक ही दिन में उसकी दोनों गारंटियां जो थी ना वो इनकैश कर गया। मिनिस्टर सी है सी ना कोई साठ मिनिस्टर है, मैं दसांगा दसना जी, दोनों का मिनिस्टर एक ही, दोनों
ख्वाजा आसिफ शक को देते ही। अच्छा 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 आगे चलो, आगे चलो सर, ठीक है। और उन्होंने गारंटी दी थी कि ये भी यूथिया नहीं रहेगा, सऊदीया वाला भी बंदे का पुत्र बन जाएगा, अटारनी जनरल भी साढ़े वालों खेडेगा। दोनों गारंटियां जिहड़ियां सन ना वो बस्ट कर गई और हुकूमत ने वैसे उन्होंने दी ते गारंटी बाजवा दी भी उल्टी पई सी। आहो ये गारंटियां नहीं लैनियां चाहिए, मेरिट ते काम करना चाहिए, मेरिट ते काम करना चाहिए। मेरिट ते काम, ये जो आपने मेरिट वाली बहस लगाई हुई है ना, वैसे ये इतनी सादा बहस नहीं है। हां बिल्कुल सादा नहीं। खान साहब जो है ना वो मेरिट या कानून या आईन को मद्देनजर रख के कोई काम नहीं करते हैं, और ये जो सारा शाखसाना है ना जिसके ऊपर लोगों को पै जाते हैं कि यार हुन असी करिए कि ओ शुरू करो उतों जितों कासिम सूरी ने आके एक कानूनी आईनी अमल पे उसने एक ऐसा काम किया कि उसने रूलिंग गलत दे दी उसके ऊपर, जिसके ऊपर आईन तोड़ा उसने बैठ के, और उसको आज पीटीआई वाले कह रहे हाय 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 उसने तो हुकूमत बचा ली थी कासिम सूरी ने। अब इसके जवाब में, अब इसके जवाब में वो कहते हैं कि सर उसके इसके जवाब में कहते हैं कि आप वक्त पे नवे दिन में इंतखाबात ना करवा के भी आईन तोड़ रहे हैं। बिल्कुल असर पड़ा है, मैं बताता हूँ। सर एक तकरीर की थी इरफान सिद्दीकी साहब ने, उसके बाद इसी अटॉर्नी जनरल के जरिए खत आया था पार्लियामेंट को, ठीक है। इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि आप खत पहले आया था तकरीर बाद में, नहीं 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 पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने वो जो रिमार्क्स दिए गए थे बेंच के अंदर से कि जी पाकिस्तान की तारीख में एक वजीर आजम ईमानदार आया, जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने जज्बाती तकरीर की थी कि आप कोड़े बरसा रहे हैं, चबुक मार रहे हैं हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर वो खत आया, जब खत आया और बड़ा वो जो नुमाइंदगी करते हुए वजीर कानून साहब ने आजम नजीर तारर साहब ने बताया, तो रजा रबानी साहब खड़े हो गए कि आप क्यों वजाहतें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रजा रबानी साहब ने तगड़ी तकरीर कर ली, यार उन्होंने वकालत करनी होती है ना, सर हम साहब के दोस्त जी 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 साडे भी दोस्त हैं। एक खाजा हारिस तरह हुकूमत दा मेरा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और खाजा हारिस को आप कुछ ना कहें, वो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, चलो वो इंडिपेंडेंट लॉयर है, वो इंडिपेंडेंट नवाज शरीफ को प्रोफेशनल थे ना, वो इजाज़त से भी थे। बात सुने सर, अगला सर, अगली अगली जी जी, कल जो तकरीर राणा सनावला साहब ने की है जॉइंट सेशन में, सुन लो सुन लो सुन लो, मेरे यार वकील पर्सनल उस क्या गल गल हो लेंदे हो, गल हो लेंदे राणा सनावला साहब की टाइम थोड़ा चाहिए हमें, टाइम थोड़ा राणा सना। अच्छा मैं बोलता जाऊंगा बेशक, तुसी मैं आज इन दोनों का ना तरीका अख्तियार कर लेता हूं, बोलते जाओ सर। दूसरा जो है ना, दूसरा असर ये पड़ा है, दूसरा असर ये पड़ा है कि सर जब राणा सनावला साहब ने तकरीर की तो एक और वजाहत आ चुकी हुई थी सर। अच्छा, वो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी फलां पेशी पर भी जब डोगर साहब के उसमें बेंच की तरफ से एक रिमार्क्स आया था जिसमें कहा गया था कि 88 में एक वजीर आजम जो ईमानदार थे, हमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ एक ईमानदार वजीर आजम थे, हमने असर पड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, जब मामला आएगा तो बेंच के अंदर से वजाहत आना ये असर पड़ता है, असर पड़ता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अदालत के साथ बहुत कुछ कर सकती है, अदालत पार्लियामेंट के साथ कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर सकती। जब कानून और आईन बना ले, क्या सर डालना है राजा रियाज, आपने जो है ओपोजिशन लीडर बनाया हुआ है यार, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम बतौर पार्लियामेंट ये किस किस्म की, मैं भाई एक जुमला आप कहां से ले, इंसाफी कर रहे हैं। पहली बात यह कि राजा रियाज कौमी असेंबली के मुंतखब रुकन हैं और वो इसी तरह कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होने का हक रखते हैं जैसे कोई दूसरा, एक तो काबिल एहतराम है। दूसरी बात यह है कि जो आपने दूसरा किन का नाम लिया, सादिक संजरानी, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ पिटीशन जो है वो अदलिया में जेरे समाहत है, वो 7 वोटों से जो आए हुए हैं, और माफ कीजिएगा अगर मैं ये कहूंगा कि सादिक संजरानी को इस सीट पे लाने वाला कौन है, तो फिर मेरा एक अजीज दोस्त जो है कर्नल लियाकत है, फैसले के ऊपर एक सूबे का वजीर आला लगता है, आप हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमले करेंगे, अदालती फैसलों के ऊपर नहीं हमला कर रहा भाई, पार्लियामेंट राजा नहीं, उसको इनको भी कह रहा हूँ, इस सब माहौल के बावजूद अगर पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश कर रही है तो पार्लियामेंट पे पत्थर मत बरसाओ, मैं ये कह रहा हूँ, पत्थर नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आप असर असर की गुफ्तगु लेके बैठे हुए हैं ना, ये जब तक आप कसाफतें दूर नहीं करेंगे ये असर नहीं होंगे। मैं आपसे झाड़ू दे ना, दे झाड़ू
ना करें इनके साथ साजिशें। ये वही ग्रुप है जिनके साथ मिलकर ये इमरान खान को लाया गया था, वही ग्रुप आप बैठ के इनके साथ बैठे हुए हैं। कौन सा ग्रुप है, कौन है यार, राजा रियाज कौन है, संजरानी कौन है, जरा सारा डिसिडेंट ग्रुप बना के ऑपोजिशन बनाई है। Who are these people? डिसीजन नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, वो वोट नहीं दिया लेकिन वो बैठे हुए हैं। क्या करें, निकाले देखिए, बात सुने, बात सुने राजा रियाज साहब ने वही कुछ किया है जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब अब करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना रोजाना राजा साहब के पास जाते हैं कि जनाब असी असेंबली दे मेंबर होने आ, सानू अंदर आण दिओ। जी जी, राजा साहब कहंदे ने खबरदार निकलो बाहर, निकला झूठे ठीक ले ओ हुकूमत। अच्छा यार, मुझे पता है क्या लग रहा है सर, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को इसी तरह, फैसल साहब तो नहीं, जाहिर इनकी अप्रोच नहीं है, हमारे किसी दोस्त ने इसी तरह जज्बाती होकर मशवरा दिया था कि पार्लियामेंट छोड़ दो, बाहर आ जाओ। फिर आज ये है कि इमरान खान मुनसलाई ने लिखे और चुपो और चुपो भाई जान, पार्लियामेंट के मामलात हो या कुछ हो, अब वो एक एमएनए है, वो कह रहे हमने अपनी पार्टी के फैसले को नहीं कबूल किया, हम पार्लियामेंट में बैठे, तो अपोजिशन लीडर बनेंगे ना। उन्होंने रिजाइन किया, नहीं किया इसने, उन्होंने रिजाइन किया यार। फैसल अकल नू हथ मारो, आखिरी अकल नू हथ लवो सर, अकल को हाथ मारे। उन्होंने 123 सरकार ने रिजाइन किया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने रिजाइन किया है, इन्होंने 22 में नहीं किया, और अदालत में गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। अच्छा, नहीं नहीं तो तेरी गल तो मुझे तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बड़ा मजा आया। मैं अपनी गुड़िया छुड़ियां उड़ानता जाना ना, पूरा मजा ले लिया। अच्छा, अब बसंत देखिए ना, बसंत जो है, बसंत जो है ना, वो लाहौर का त्यौहार था, लाहौर के सिवा हर जगह पे मनाया जाता है, और लाहौर में इसलिए मनाया जाता कि जी इत्थे बच्चियां दी गर्दना कटी जांदी है, बाकी शहर के बाल जरा बिकतर पा के फिरते ने, पूछे नहीं कटी जा रही। और सर नहीं हो रहा ऐसा वाकया, ये जमात इस्लामी की वो बेहुदा साजिश, मियां आमर महमूद की वो बेहुदा साजिश जिसने हमसे हमारा कल्चर छीन लिया। मियां आमर महमूद की क्या पूछते हैं, उसने बच्चों की गर्दन ही नहीं काटी, उनकी तालीम भी काट दी पकड़ के, और तालीम है वो, तालीम का, और वो उस ये कहते थे मैंने तो बड़ा मजा आया। अच्छा, पार्टी चौक मुझे याद आ रहा सी बार बार, भला क्यों करंट सिचुएशन ते आ जी। रेहड़ी जूस वाली, अच्छा रेहड़ी कोई नहीं खलोता होंगे, लेकिन टेप चल रही होंगी है, मां जी दे गिलास, भैन जी दे गिलास, इधर दे गिलास, उधर दे गिलास, अल्लाह की कसम इंज लग रहा, कोई नहीं सुन रहा होता ना, बंदा ही कोई नहीं होता, पर टेप चली होंगी, जिन्हें टेप लाई होंगी वो आप भी सुता होंगे। अच्छा, अब बात जो हो रही थी ना, देखें हमने जिस इशू पर बात नहीं की, मेरा ख्याल उस इशू की तरफ आना चाहिए। हाँ। और वो इशू अगले हफ्ते से बहुत हॉट हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपने फितना फसाद प्रोजेक्ट के तहत जा रहे हैं उस पर मस्जिद गंद डालने, और वो है पंजाब में इंतखाबात का ना होना। ठीक है, अब मामला ये है कि ये डिमांड की जा रही है, एक साहब हैं प्रोजेक्ट इमरान के और जनरल फैज के नेटवर्क के सुरखेल, उनका नाम है कामरान खान साहब। ठीक है, बदकिस्मती से वो सहाफी होते हैं। ठीक है, सहाफी बाल नहीं, बाल चलें वो अब कहा तो जा सकता है, एक ग्रुप के प्रेसिडेंट है यार, स्टॉक एक्सचेंज वाले, वो जो साहब है, हाँ वो जो साहब है ना, AKDL। अच्छा, अब वो जो साहब है ना, उन्होंने एक वो बयान दागा, और उसमें उन्होंने कहा है कि यानी इंतखाबात पंजाब में नहीं हो रही, ये जहन में रखिएगा, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा ये कर रहे हैं कि आप शबाज हुकूमत का खात्मा करें। ठीक है, और यहाँ पर साफ शफाफ मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से राह हमवार करें। अब ये कैसे कर सकते, किस कानून के तहत, मैं यही मेरी गुजारिश है, इसीलिए मैं कह रहा था कि साफी नहीं है, टाउट है जी, तो मैंने भी यही कहा है कि वो साहब जो है ना वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, रेट कम था, हमें इस तरफ तवज्जा देने की जरूरत। नहीं, मतीउल्लाह जान साहब ने 6,000 रुपए बताया, नहीं वो बहुत बात की बात है,
मतियुल्लाह जान ब्रिगेडियर क्या नाम है जो अपने एक दोस्त के दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मैं देता था ब्रिगेड सही कि मैं देता था 1600 रुपए ये बारे में जानने की बात है। चलो बोलते हैं, थैंक यू। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है ना, अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं करवा पा रहा तो उसकी वजूहात उसने लिखी हैं, और देखें ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स उसने लिए हैं, एंड एज पर द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है उसका पैरा नंबर 14 है, उस पैरा नंबर 14 में लिखा हुआ है कि आप जो इलेक्शन ऑर्डर 2017 उसके मुताबिक आप अमल करेंगे और तारीख देंगे, 90 दिन में इलेक्शन होना है, ठीक है, ये उन्होंने लिखा। अब जो पैरा नंबर 14 है उसकी अगर आप थोड़ी सी मजीद तफसील में जाएं तो इलेक्शन एक्ट 2017 का 57(1) है जो कहता है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद तारीख देगा, ठीक है जी। अच्छा उसने उनके साथ मुशावरत की और सदर मुमलिकत ने 30 तारीख दे दी, कंप्लाई हो गया। अब 58 पढ़ लेते हैं, 58 ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद फिलहाल मुमकिन नहीं है, उसको ऐसे इंजाम और सराम के लिए दीगर जो लवाजमात हैं वो हासिल नहीं है तो वो डेट आगे भी कर सकता है। अब यहां पर नहीं लिखा हुआ कि सदर से मुशावरत के बाद करनी है, ठीक है, तो लिहाजा 58 के मुताबिक भी उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया, ठीक है, ये उसके मुताबिक है इलेक्शन एक्ट के तहत है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका पैरा नंबर 14 जो डिफाइन कर रहा था उसके मुताबिक है, तो भाई हूँ यह गल जी इन्ने रुलेते नहीं सी हो सकती ना, इस करके मैं पहले गुड्डी उड़ाई फिर मैं जूस बेचिया, उस तो बाद मैं कहता हूँ गल कर ला। थोड़ा कॉमेंट ले लो, देखें ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक जमहूरी मुल्क के अंदर, उसको आप मद्देनजर रख के काम करें तो फिर या सोचें तो फिर तो आपको इलेक्शन करवाना चाहिए था 90 दिन के अंदर। आप आज अगर पैसे नहीं है तो फिर पैसे कल कहां से लेकर आएंगे, इम्तियाज सुमरो कह रहे थे कि कल अक्टूबर को भी पैसे ना हुए तो फिर कहां जाएंगे। और एक होती है सेंस ऑफ एनार्की या एक्ट ऑफ एनार्की, उसका आप सिद्धे बाप करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया कि इमरान खान साहब ने किया हुआ। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इदारों की जंग जारी है, एक सियासी पार्टी जो है वह फौज नू पई है और तेरी ऐसी थी तैसी तेरी थी अपॉइंटमेंट ही गलत है। एक सियासी पार्टी महसूस करती है कि हम ख्याल जज जो है वो साढ़े खिलाफ कभी वो फैसला सीधा दे ही नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो आप एक्ट ऑफ एनार्की करते हैं जो कि कानून के मुताबिक नेड़े नेड़े थे होंगे ने, लेकिन उनके पास अमल दरामद करना, उनके ऊपर जस्टिसिएबल उनको करवाना या उनके ऊपर फैसला लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। किन हालात में? इन हालात में जब आपने अपने अपने इदारे अपने अपने टारगेट चूज कर रखे हो और उनके साथ मिलके आप काम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये जस्टिस सजाद अली शाह वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। जब सजाद अली शाह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा था कि मैं नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी है तो ये अमल दरामद कराओ, तो उन्हें खत जरा वो वजारत दफा दे सैकटरी दफा नू भेज दिता सी, ठीक है ना। मुझे लगता है शायद अपने पेशरों से कि अकल पकड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अकल जो है वो किसी इमरान जदा जहन के अंदर मौजूद हो सकती है, तो इसलिए वो नहीं पकड़ेंगे, दोबारा उसी से जाके सर टकराएंगे। और अब देखना है कि क्या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वही हरकत करते हैं जो उस वक्त हुई थी एन आईन के मुताबिक नहीं, हुई नहीं, थी। नहीं, या कुछ उस सजाद अली शाह के साथ फिर कोटा बेंच भी हो गया सी ना जी, तो इतने भी कोटा तो ही ताल्लुक है ना। हाँ नूरला साहब नाराज होकर बैठे ने बोलते हैं सर पार्लियामेंट तो थोड़ा बाहर निकलो, हाँ तो बाहर निकल के दसो कि ये जो कुछ हो रहा है नहीं यार वो नहीं सीरियस गल पूछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए दही भल्ले भी इस रमजान के अंदर नामुमकिन हो गए यार, क्या खूबसूरत बात की है रजी साहब, इस पे अता हो कुछ इस पे बात करनी
गरीब की आवाज एक ही है बैठक के अंदर और वो है मेरा नूरुल्लाह भाई, बस गरीब की आवाज 400 हो गया 500। अच्छा टाइम थोड़ा याद रखा, 160 रुपए की मैं लेके आया हूँ वो जो होती है वो क्या मिल रही है आजकल सर, स्ट्रॉबेरी आज सारे स्ट्रॉबेरी खाते हैं जब हम पैसों की बात करते हैं तो हुकूमत ने एक बड़ी सब्सिडी दी है कोई तकरीबन 150 अरब रुपए की, जिसमें सस्ता पेट्रोल और मुफ्त आटा है। अच्छा, मुफ्त आटा बहरहाल एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि वो लोग जो 70 अरब, हाँ वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते, जो गरीब लोग हैं, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम है। उसमें सिर्फ इशू ये आ रहा है जिसको मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करके असल जो काम हो रहा है उसको बैकग्राउंड में डाल दिया गया है कि एक अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, चूँकि ज़ाहिर है भगदड़ मचेगी, थोड़ा सा रश भी होगा, लोगों से थोड़ी सी बदतमीज़ी भी हो सकती है, ये मुमकिन है। अच्छा, इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, 100% गुंजाइश मौजूद रहेगी हमेशा, इवन ये लोगों के घरों तक भी पहुंचाने का हो सकता था। और जब इस तरह के मामलात होते हैं हम देखते हैं कि बड़े ब्रांड्स पे जब सेल लगती है वहाँ पे लोग भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, कपड़े फाड़ देना, ये सब कुछ होता है। तो ये तो बेचारे वो महरूम तबके के लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उसकी, उनके लिए आटे का थैला बड़ा है। मैं हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेहतर और बेहतर किया जा सकता था, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बाइज़त तरीके से अगर उनको पहुंचाया जा सकता है। फ्यूल वाले मसले पर बहरहाल इश्यूज़ रहेंगे कि वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, और IMF के साथ भी इश्यूज़ हैं, और आटे वाले मामले से ज्यादा पहले यार 50 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है यार, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी एक ऑलरेडी वो एग्रीड या एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें उसके उसमें इजाफी लोग भी, हाँ उसमें इजाफी लोग भी शामिल कर दिए हैं। और उसका असल तरीका तो ये था कि उसकी प्राइस कम करके यूटिलिटी स्टोर्स या बाकी स्टोर्स पे भी अगर हुकूमत मैनेज करना चाहे तो प्राइस कम हो सकती है, अगर चीनी की प्राइस कम हो सकती थी एक खास टाइम में, तो उसमें भी सारा कुछ करके मैनेज किया। मुफ्त जो दिया जा रहा है ना, ये दिहाड़ी है भाई, याद रखना, ये करप्शन है। मैं सच्ची बात है, देखिए मैं इसलिए मुझे पता है, मुझे हकीकत का पता है ना, अब मैं वो इस फिलहाल बता नहीं सकता, मैं किसी के साथ क्या कि नहीं दसागा, उन अगले पता लग गया साफी, उन्हें कहा यार गल ना आवे, मैं कह नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसमें दिहाड़ी है, इसमें करप्शन है। सर आटा अगर फर्ज करें 1000 रुपये का 5 किलो है, मैं मुझे नहीं पता इस वक्त कितनी प्राइस होगी, 2000 रुपये होगी, 600 मैं नहीं खरीदता, सच्ची बात है मैं नहीं खरीदता, 130 रुपये के जी है, आप सर 70 रुपये के जी देते, लेकिन अगर आप मुफ्त लैंड से पाओगे ना, रश होएगा, स्टिम्पीड होएगी और वहां पे लोग मरेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उस भाई की दिहाड़ी है। मसला ये, मैंने भी यही कहा था कि उसको सस्ता करके मुख्तलिफ स्पॉट्स पे दिया जा सकता है, और दिहाड़ी वाला कॉन्सेप्ट हर जगह मौजूद रहता है। ये जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था, अच्छा चले एक मिनट मैं पहले कर दूं, वो सब्सिडी होती है, हमेशा होती है, चीनी भी नहीं होती थी, हो जाती है, हो सकती है ये। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था उस पर भी बहुत ज्यादा ऐसे एतराजात थे कि वहां पे दिहाड़ियां लग रही थी, और फ्रॉड हुआ भी है, उसकी वजह से एक अच्छे काम को बंद नहीं किया जा सकता। एक अच्छा काम है महरूम तबके तक आटा पहुंचाना, एक अच्छा काम है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक आइडेंटिफाइड लोग हैं उसमें, इसमें अगर ज्यादा अगर उसमें ज्यादा दुनिया भर में लोगों को सब्सिडी दी जाती है। अच्छा दुनिया भर में लोगों को सब्सिडी दी जाती है, मुफ्त चीजें भी दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो तो ऐसे ये सब स्पेशल सर, और क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, आदमी गरीब आदमी को रोटी नहीं मिली, उसको अगर आटा दिया जा रहा है तो वो स्पेशल। आपकी तसल्ली करवा, यार मैं आपकी तसल्ली करवा दूं, चुप कर जाए 2 मिनट यार, एक तो उन्होंने यार क्या बंदा यार तरीका, अच्छा यार हाँ मैं लगाऊंगा अच्छा बात सुनो यार, मैं लगाऊं बात तो सुनो सर। सर जी पाकिस्तान में साफ शफाफ निजाम के तहत गरीबों तक सब्सिडी जा रही है, आटे वाली लाइनें मैं उससे मुत्तफिक हूं बट साहब से, ये बिल्कुल सेहत कार्ड की तरह का एक फ्रॉड है, माजरत के साथ जहां भी हो रहा है, जिस तरह सेहत कार्ड एक फ्रॉड है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है,
आपको याद होगा 2010 में महाफ्लड आया था पाकिस्तान में, उसका अल्टरनेट क्या, उसका क्या निकाला था आसिफ जरदारी ने, लोगों को लाइनों में खड़े होकर पैसे नहीं दिए गए थे, उन्होंने वतन कार्ड बना दिया था। 2011 में आया पाकिस्तान कार्ड बना, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उनके पैसे चले गए, लोगों ने जाकर ले लिए। अब आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसको इमरान खान साहब भी मानते हैं कि दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, जिसको मुस्लिम लीग भी मानती है, ठीक है ना, जो भी है, और जिसको यार बात तो सुन ले यार, बात तो सुन, एक हालात है ना, हालात है, बात करने दे, एक हालात है इस वक्त, हकीकत यह है कि भाई आप और मैं आटा खरीद सकते हैं, लोग नहीं खरीद सकते, तो अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी फकीरों की तरह ना दे, बाइज्जत तरीके से दे। उसका बाइज्जत तरीका यह है कि उनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएं और वो जाकर खरीद ले, सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, और जितने भी उसके अंदर खांचे होंगे ना, जुगाड़ जो होंगे, दो नंबरी होंगी, वो खत्म हो जाती है जब लोगों के पास डायरेक्ट पैसा जाता अच्छा है। यार जरा टॉपिक बदलिए, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। 50 करोड़, 50 करोड़, हाँ। सर 50 करोड़ वाले तो तुझे कोई इरशाद फरमाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने शिकायत की है, शिकायत नहीं की, नहीं कि मेरे पैसे आप पुलिस वापस दिलवाए, ये तो कहा नहीं, नहीं कहा ना, वो तो बात ही नहीं हो रही, कहां से आया सर? वो खबर लीक होगी, खबर लीक हुई, खबर लीक, वो उनके जो मुलाजमीन है वहां से हुई है। नहीं वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सतार खान साहब, सतार खान साहब ने ये खबर दी है, कयूम सिद्दीकी साहब ने, कयूम सिद्दीकी साहब ने उनका इंटरव्यू, इसको कहते सिर्फ 5 करोड़ की थी, वो 50 करोड़, उन्होंने अच्छा नहीं, वो कोई ट्वीट कर रहे 50 करोड़, हाँ वो जो मेरे तक खबर आई थी ना, वो तो हुई थी कि कहीं पे बैठे रवाजी गल की, उन्होंने ये 13 मार्च की खबर था कि वो उसी एक पार्टी थी जिसने उनपे अरबों रुपए की सरमायाकारी की थी, वो किसी बंदे के पास बैठ के उन्होंने कह रहे थे कि यार डुबते नहीं जान के, सानू दही दसिया गया फैज फूज हराने के आ रहा वापस और ज्यादा भारी तरीके नाल आ रहा, तो हुण ते हालात खराब लग रहे हैं, तो उत्थे उन्हीं उस पार्टी में से बैठा हुआ कह रहा था कि उत्थे तक समझ नहीं आती, उत्थे तक 4-5 करोड़ पता नहीं किन्ना चोरी भी हो गया, यह उत्थों खबर लीक हुई सी जिहड़ी मेरे तक आई सी। तो फिर वो जो थी सदीकी साहब ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले के जी के कल के वो 50 करोड़ की चोरी हुई है उत्थे, और अजहर मशवानी साहब ने उसको तस्लीम तस्दीक किया उसकी। अच्छा ये अभी जो बहस हो रही थी ये कोई पता नहीं, वो मेरा ख्याल है कि जिथे फड़े गए ने उथे कर दी होनी यार, उसकी देखे ना उसकी तर्दीद जो है ना 50 करोड़ की और तहखाने वाले की कयूम सिद्दीक साहब की, वो कर दी थी वो जो डॉक्टर अरसलान बेटा है ना, उन्होंने कहा था कि वहाँ तहखाना है ही नहीं, लेकिन जाहिर है अब इमरान खान साहब जितने पैसे ले रहे हैं ये पार्टी फंड के नाम पे, टिकटों के नाम पे, और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हर MNMPO को कहा कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी यहीं बैठ के करो, तो पैसे तो अंदर मौजूद है, मौजूद है, और वो पैसा बैंकों में नहीं जा रहा, वो पैसा तो कैश की सूरत में पड़ा हुआ। असल गल ये है कि और जलसा भी करना था मीनारे पाकिस्तान पर, उस जलसे बड़ा पैसा, गल फिर फैसले आ जाती है कि वो किस तरह बह के चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तालिबान तो लेके पैसे तक। यार हार्किंग बैक टू द अर्लियर इशू, मैं छोटा सा एक कमेंट करना चाहता हूं। देखिए मेरी ये तशवीश या ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप लोगों को सस्ता आटा क्यों प्रोवाइड करते हैं, मेरा सवाल यार मेरी तकलीफ है, मैं क्लेरिफिकेशन एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी तशवीश और मेरी ऑब्जेक्शन ये है कि यार 75 साल इस मुल्क में मरे होएगा ना, हमें लाइनों में लगा के आटे मत दें, हमें 2,000 रुपया जो है बैंकों के अंदर डाल के कार्डों के अंदर डाल के मत दें, हमारी हमारी इज्जत, हमारी इज्जत भी है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं यार, अमली तौर के ऊपर कोई पॉलिसीज ऐसी ले डाउन कर दें जो यहाँ का महकूम तबका जो है यार वो थोड़ा सा एम्पावर्ड हो जाए, ठीक है, हमें हमें लाइनों में फकीर मत बनाए। 50 करोड़ चोरी सर, वो मुझे छोटा सा एक हकीकी वाकया याद आ, छोटा सा, वो एक बहुत बड़े साहब थे साढ़े वड़े 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 घर दे वड़े साहब सनी, वो एक माई पकड़ी गई सर कसूर वाले पासे ना सर, उन्हें वो पता लगा कि उस माई दे कोलो ना उन्हूं चोरी के चक्कर फड़ेगी, उन्हूं कुट छुट पई तो पता लगा उदी झोंपड़ी के विचों डालर पौंड हीरे जवाहरात पता नहीं की क्या निकला, बताया कि जी मैं फलां साहब के घर काम करती हूँ और फलां साहब फिर
जिथे मेरा वस चलता फिर मैं एंटी पा लेनी उत्थे तो होर बड़ा कुछ पिया जे। उन्होंने कहा अच्छा वो थानेदार ने अपनी वर्दी वुर्दी सीधी की अं सलूट मारे जाके साहब साहब से कहा सर हमने आपकी ये पकड़ लिया सारा कुछ पैसा पूसा लैंदा मतलब सी कि सानू ना कोई इनाम दो साहब ने कोई कड़ी एडी नहीं गाला चलो जी मेरा ख्याल है कि रोजा खुलने वाला हो गया साडा आप तक तो ये पता नहीं कब पहुंचनी है व्लॉग जो है ये वाली बैठक ये वाली निश्चित तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर बारां लगियां ने मौजां लगियां ने तो खबरें ही खबरें इंशाल्लाह अगले हफ्ते जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी फिर वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया।